मुझे भी ये कॉल आई थी दो दिन पहले कि इनको आज एक टास्क मिल रहा है, अगर तो अरसलान जीत गया तो वो फिर अपने घर बात करेगा. आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार शिट मे बी यू नो आई विल टॉक टू हिम. और मैं सारे दिन रिहर्सल करती रही हूँ, मैंने उसकी मम्मी को भी बताया कि मे बी हमें कॉल आए, बट ऐसा नहीं हुआ. तो मैं समझ गई थी उसी दिन कि अरसलान ये टास्क नहीं जीता, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके इट्स फाइन, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग इनसाइड. द वे ही हैज हैंडल्ड कॉन्फ्लिक्ट, द वे ही हैज एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी विदाउट बीइंग पर्सनल, द वे ही स्टूड अप वेदर इट वाज Saim or anyone else in the house, the way he controlled his anger even though people got really personal and shallow because of that, but usne apni jo decency ki line thi wo nahi cross ki hai. Aur wazir banna aasan nahi hai, aap bahar se baith ke comments pass karna bahut aasan hai, but aap log ek social experiment ke andar hain jahan pe aapki pasand ka khana nahi hai, aapki pasand ki neend nahi hai, kuch bhi nahi hai, aur usme aapne 15 logon ke decisions lene hain. So I feel like that takes a lot of strength, a lot of mental strength more than anything. So Arsalan, I can't wait to see you. I miss you so much and I'm so proud of you. किसका चहिता? आप किसका? किसका? यार जरा मेरा चलो चलो ब्लॉग मुझे स्टार्ट करने दो. इन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट से ज्यादा अच्छा तुम्हारा मेकअप कर सकती हूँ, तो मैंने कहा लेट्स गिव हर अ ट्राई. वी आर सो ग्रेटफुल कि अरसलान खान ने हमें